और ये है इसका मीटर, जो स्पीडोमीटर, इसमें आपको बिल्कुल बेस मॉडल वाला मिलता है ना, उसको भैया ने चेंज करा के यहाँ पे कम्प्लीटली टॉप मॉडल वाला भी करा लिया है। और इसकी अगर बात करें कॉस्टिंग की, 10,500 रुपए का आपका मीटर आ जाता है, ब्रांड न्यू, ऐसा नहीं है यूज आएगा, डब्बा पैक नया आएगा। आपका ड्राइवर डोर है जिसमें पूरा पावर विंडो का पार्ट जो है अभी सिर्फ इसमें इतना आपको देखने को मिलता है। अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूँ, आपको पहले से बता रखा है 3500 रुपए का ZXi प्लस वाला स्टीयरिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी देखो ऊपर से छत वगैरह हर चीज जो है वो पूरी गाड़ी खुली हुई है। यहाँ हैंडल लीवर है। जो इंटीरियर का अगर मैं पार्ट बताऊँ तो कंप्लीट पूरा इंटीरियर का पार्ट आप देखोगे एक नेक्स्ट लेवल है। एम्बिएंट लाइट जो पूरा कंप्लीट प्रॉपरली आपको देखने को पूरा मिल पाएगा। थोड़ा सा आप लो लाइट में देखोगे और ज्यादा अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीटली देखने को मिलेगा। पिलर्स है जो पूरा ब्लैक हो रखा है, मैट ब्लैक के अंदर पूरा पिलर को किया गया है, तो इसका एक शानदार रिस्पॉन्स है जो यहाँ पे पूरा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बुलेट ट्विटर है, ये यहाँ पे लगे हुए हैं। नियो के ही अलॉय लगे हैं इसके अंदर। टायर प्रोफाइल 255, अल्फ हार्ट की डैम्पिंग हुई है। पूरी गाड़ी ना यहाँ पे खुली पड़ी है कहीं ना कहीं, पर इसका सॉफ्ट टच लोहा जो पूरा कपड़ा होता है ना, ये पूरा वेलवेट के साथ होता है। वेलकम बैक टू चैनल गाइस, कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपको एक नई वीडियो में। भाई स्विफ्ट की इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है ना, जितनी डिमांड बलिनो की नहीं, जितनी डिमांड ब्रेजा की नहीं, उससे कई ज्यादा गुना जो है डिमांड अपनी स्विफ्ट वाले भाइयों की रहती है। भाई लगती इतनी प्यारी गाड़ी है, रोड पे चलती तो अलग ही तरीके का उसका रोड प्रेजेंस होता है, तो बहुत सारे भाइयों की पहली प्रेफरेंस होती है। तो कम बजट के अंदर अच्छी गाड़ी आपको कहीं ना कहीं ऑफर हो जाती है। तो स्विफ्ट के लिए अगर आप जाते हो तो LXi वेरिएंट सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहता है। और ज्यादातर आप जितनी भी स्विफ्ट देखोगे ना, सभी ज्यादातर बेस मॉडल ही निकलती है, यानी कि LXi वेरिएंट ही अपने भाई लोग निकलवाते हैं, क्योंकि उसके बाद जो मॉडिफिकेशन का मजा है ना, जो जितने भी कार एंथुसियास्ट हैं वो सबसे ज्यादा यही सोचते हैं भाई बेस मॉडल लेकर के उसमें कुछ ना कुछ काम करवाएं और उससे नेक्स्ट लेवल की चीज कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर पाए। अपने हिसाब से आप चीजें कस्टमाइज करा सकते हो, इंटीरियर कस्टमाइज करा सकते हो, म्यूजिक सिस्टम में अपने हिसाब से जो फील है वो ले पाओगे। तो आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन कहीं ना कहीं बहुत सारे भाइयों को पसंद आती है और उनका कहीं ना कहीं पैसा भी बहुत हद तक बच जाता है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो स्विफ्ट लेने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप देखोगे इंटीरियर किस तरीके से कस्टमाइज हुआ है अपनी स्विफ्ट के LXi वेरिएंट में। साथ ही डोर ट्रिम जो होते हैं गत्ते, वो सारी चीज चेंज करिए, पावर विंडोज के अंदर इंस्टॉल हुए, साइड में इंस्टॉल हुए, मीटर तक यहाँ पे चेंज हुए, गियर नॉब का सेक्शन, मतलब छोटी से लेकर के बड़ी चीजें जो है वो सभी इस गाड़ी के अंदर कंप्लीट करी गई है। आप में से बहुत सारे भाइयों के ऐसे मैंने कमेंट्स देखे अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आप लोग कहते हो भैया हम कहाँ से काम कराएं, हमारे लिए क्या बेस्ट ऑप्शन रहता है, या फिर प्राइसिंग के लिए हम कैसे कंपेयर करें। इस वीडियो के अंदर आपको बताऊं, सबसे पहले आप कोई भी गाड़ी प्लान कर रहे हो तो पहले उसके लिए लिस्ट बनाओ कि आपको क्या क्या चीज चाहिए। मार्केट में जितनी भी शॉप्स है जो उसके उस गाड़ी के अंदर पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, आप एक बार उनसे कोटेशन ले लो। एक बार अगर आप दिल्ली में रहते हो या फिर लोकल कहीं से भी हो, आप एक बार उनका जो है एक बार जाकर फिजिकली एक बार विजिट करके आओ, आपको खुद समझ आ जाएगी कि क्या चीज चल रही है मार्केट में, क्या चीज है, क्या रेट है, और क्या एक्चुअल में वो जो रेट ले रहे हैं या फिर जो कोटेशन आप ले रहे हो उसका वर्थ क्या है। हमेशा अपनी गाड़ी में ओरिजिनल चीजें लगवाओ, ओरिजिनल चीजें देखो, पैकिंग देखो, उसके बाद ओपन कराओ अपने सामने में, क्योंकि भाई अगर आप ओरिजिनल के पैसे दे रहे हो तो एटलीस्ट आपके सामने वो चीज़ ओपन होनी चाहिए, और आप उस ओपन होने के बाद ही अपने सामने ओपन होने के बाद ही अपनी गाड़ी में वो चीजें इंस्टॉल करवाना। कभी कहीं से भी आप काम कराओ, मैं ये नहीं कह रहा ऑटोनिक से कराओ, कहीं से भी कराओ, तो अपनी पहले जो पैसे आप खर्चे दो एटलीस्ट आपको उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमेशा पहले एक बार कोटेशन ले लो, पहले एक बार रिसर्च करो मार्केट में क्या क्या चीज आपको चाहिए, उसके बाद ही अपनी गाड़ी में सारा काम करवाना। तो बिना देरी किए चलते पहले स्विफ्ट के अंदर और दिखाते हैं आपको किस तरीके सारी चीजें जो है कंप्लीट करी गई है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, इस तरह और भी अमेजिंग अपडेट्स के लिए। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको किशन भाई जो है बहुत सारी चीजें बताने वाले, उन्हीं की आवाज में आप जो है आज की वीडियो देखोगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे ना तो लाइक जरूर करके जाना। तो फाइनली भाई अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्विफ्ट का, जो कि LXi मॉडल थी। मैक्सिमम चीजें जो है ना इसके अंदर चेंज हुई है, और स्पेशली अगर मैं अगर बात करूं, ऐसी ऐसी चीजें इसमें लगी हुई जो शायद ही आपने फर्स्ट टाइम, मतलब इंडिया कह लो, आप देखा तो आपने पहले भी होगा, पर इस लेवल का काम ना आपको देखने को नहीं मिला होगा जैसे आपको ये स्विफ्ट में देखने को मिलेगा। और इससे पहले एक बार दिखा देता हूँ अपना, यहाँ पे जो है ना अपनी रूफ जो है वो पूरी वेलवेट वाले जो कपड़े में होता है। ये एक बार इसका सॉफ्ट टच लो आप, जो पूरा कपड़ा होता है ना ये पूरा वेलवेट के साथ होता है, और इसके साथ पूरी रूफ इसकी रेडी हो रही है। अभी रूफ का काम जो यहाँ पे चल ही रहा है, उससे पहले एक बार आपको गाड़ी में दिखा देते हैं। पूरी गाड़ी ना यहाँ पे खुली पड़ी है कहीं ना कहीं, पूरी गाड़ी कंप्लीट खुली पड़ी है, देखो पूरा कंप्लीट खुली पड़ी गाड़ी। और अगर बात करें स्पेशली भी है जो है ये देखो अपने डैम्पिंग का पार्ट है, जो कि 3mm की डैम्पिंग सिल्वर सीरीज की हो रखी है। इसके अंदर अल्फ हार्ट की डैम्पिंग हुई है, और मतलब पूरी कंप्लीट जो सीरीज है ना वो पूरी डैम्पिंग की आपको काफी अच्छा मिलेगा। डबल लेयर में डैम्पिंग है, स्पेशली मारुति की गाड़ियों में आपको हमेशा बोलता हूँ कि डैम्पिंग की आपको सबसे ज्यादा नीड, सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर मैं बात करूँ ये वाला पार्ट, तो ये देखो जो डैम्पिंग अभी इसमें नहीं हुई है, और यहाँ पे आप चेक करना
जहाँ डैम्पिंग हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस जो है वो सामने सामने से नज़र आता है इसका, हैंडल लीवर से लेके और सारी चीज़ें जो है वो कम्प्लीटली इसमें चेंज हुए हैं। यहाँ पे देखो जो डोर है वो भी पावर विंडो में पूरा कन्वर्ट हो चुके हैं। एलेक्साई मॉडल इसमें पावर विंडो का पार्ट नहीं आता, पर ये जो है वो दोनों के देखो, ये देखो ये आपका ड्राइवर डोर है जिसमें पूरा पावर विंडो का पार्ट जो है अभी सिर्फ इसमें इतना आपको देखने को मिलता है, और ये पूरा पार्ट आपका पावर विंडो में चेंज हो गया है। और ये पीछे की पार्ट है जिसका पूरा कम्प्लीट पावर विंडो का पार्ट आता है। इसमें भी एक ऑप्शन होता है जो सिर्फ ऐसे ना ऐसे डिब्बी से लग जाता है। एक बार बाहर से भी आपको दिखा देता हूँ, नियो के ही अलॉय लगे हैं इसके अंदर। टायर प्रोफाइल 255, ये देखो यहाँ पे आपको और अच्छे से देखने को मिलेगा। ये देखो 255/45R17 इंच के भी है अलॉय लगाए हुए हैं यहाँ पे कम्प्लीटली। और जब आप इसको देखोगे ना हल्के, ये देखो साइड से हल्के हल्के ना बाहर भी आ रहे हैं, पर काफ़ी अच्छा प्रोफाइल और काफ़ी अच्छा मतलब पूरा का पूरा ना लुक दे रहा है, क्योंकि व्हाइट कलर की गाड़ी और सिल्वर कलर की इसमें नियो के जो अपने अलॉय हैं। 17 इंच में भी इन्हें चेंज कराया है, इससे क्या है कि थोड़ा सा ना लग तो रहा है कि कटिंग में दिक्कत आ सकती है जब गाड़ी को मोड़ते हैं, पर ना लुक वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है। रीज़न क्या है, बाहर की तरफ पूरा अलॉय का पूरा प्रोफाइल जो है वो दे रखा है, और जो इसका प्रोफाइल है वो 45R17 है, जिसके चक्कर में ना मतलब नेक्स्ट लेवल पूरा इसका लुक दे रहा है। इसके अंदर जो कैलिपर है ये आप देखोगे ये भी पूरा किया हुआ है, तो इसका भी एक अपने आप में रोल काफी अच्छे की तरफ है। तो इस पूरी गाड़ी की मॉडिफिकेशन जैसे एक बार गाड़ी कंप्लीट हो जाए पूरी हो जाए तो एक बार जरूर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो इसमें सबसे शानदार और नेक्स्ट लेवल काम जो हो रहा है वो इसके सीटें हैं यहाँ पे, जो कंप्लीट अपनी सीटें जो बकेट फिटिंग के साथ पूरे रेडी हो रहे हैं। और यहाँ पे जो इंटीरियर का पार्ट आता है कुछ वो अपना होता हुआ अभी चल रहा है लगभग, तो जैसे ही आपका पूरा इंटीरियर से लेकर सारी चीजें हो जाएगा ना तो एक बार आपको जरूर पूरी गाड़ी दिखाऊंगा कि किस तरीके सारा काम हुआ है। और प्लस भैया ने जो साउंड आउटपुट के लिए नेक्स्ट लेवल, आप देखो कि वहाँ पे ब्राउज़ो की एम्पलीफायर लगवा रखा है 1000 वाट का, सोनी के वहाँ पे सब वूफर लगा रखे हैं। अगर आप पार्सल ट्रे में भी देखोगे तो पूरा का पूरा आपका जो ओवल स्पीकर आते हैं वो लगा रखे हैं, तो हर चीज़ आपको सामने में आपको दिखाएंगे। इसके बाद यहाँ देखोगे आपका, ये देखो बहुत अलग अलग चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे बुलेट ट्विटर है ये यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ तक कि इसके जो मीटर है ना ZXI प्लस वाला ये भी कंप्लीट पूरा चेंज हुआ हुआ है। तो एक एक चीज़ ना आपको इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये कि पूरी वीडियो देखिए पूरी गाड़ी की, जिससे आपको हर चीज़ देखने को मिल सके। अभी देखो ऊपर से छत वगैरह हर चीज़ जो है वो पूरी गाड़ी खुली हुई है, तो जितनी चीज़ आप इस गाड़ी में देख सकते हो ना ज़रूर एक बार देखिएगा। रिक्वेस्ट यही है आपसे, जिससे आपको खुद आपकी गाड़ी अगर आपकी स्विफ्ट है कोई सी भी गाड़ी है तो आपको खुद नॉलेज हो सके आपकी गाड़ी के बारे में। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको सारा काम किस तरीके से हो रहा है। फाइनली भाई अपनी जो यहाँ पे स्विफ्ट है एलेक्साई मॉडल कम्प्लीटली तैयार हो चुकी है पूरी की पूरी। स्पेशली देखोगे ना ऐसा काम शायद ही आपने देखा होगा, क्योंकि फॉगलाइट तक में जो है प्रोजेक्टर और हेडलाइट भी है ना अभी बेसिक रखा है, पर फॉगलाइट में प्रोजेक्टर हेडलाइट में जो है 150 वाट की LED लगी है। तो चलते हैं गाड़ी की तरफ और देखते हैं आपको सारी चीज़ दिखाते हैं। दिल्ली नंबर प्लेट गाड़ी है, और एक यहाँ पे आप देखोगे अच्छे से पुलिस का पूरा लोगो लगा हुआ है, तो हम पे पुलिस वाले भैया की जो गाड़ी है वो पूरी गाड़ी है यहाँ पे भैया की, और सारी चीज़ आपको दिखाएंगे। स्पेशली यहाँ पे प्रोजेक्टर है जो कम्प्लीटली इसके अंदर भी जो है LED लगी हुई है 90 वाट की, और हेडलाइट में भी आप देखोगे जो अपना कम्प्लीटली 150 वाट की LED है। इसका एक रिस्पॉन्स जो है ना आपको एक बार रिस्पॉन्स ये एक बार चेक करा देते हैं जो क्या रिस्पॉन्स आया हुआ है यहाँ पे चेक कर सकते हो। अभी हेडलाइट अभी सिर्फ फॉग लाइट है जो ऑन है, अब जो है यहाँ पे हेडलाइट ऑन हो गई, तो इसका एक शानदार रिस्पॉन्स है जो यहाँ पे पूरा आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद मतलब अभी इतनी अच्छी लाइट है उसके बाद भी रिस्पॉन्स है जो आप यहाँ पूरा देख पाओगे। इसके बाद अगर बात करें साइड में भैया का कम्प्लीटली अपना फेंडर क्रोम है जो कि GFX के साथ यहाँ पे लगा हुआ है, और मैंने अलॉय आपको दिखाए थे LED पहले भी, नियो के अलॉय लगे हुए हैं जो कम्प्लीटली पूरे अंदर से ना कैलिपर है जो रेड कलर के पेंट के साथ पूरा लगा हुआ है। एक अच्छा शानदार अलॉय का लुक पूरा दिया हुआ है, और स्पेशली कह सकते हो इस गाड़ी के ऊपर नहीं अलॉय सूट कर रहे हैं बिल्कुल प्रॉपरली। पिलर्स है जो पूरा ब्लैक हो रखा है, मैट ब्लैक के अंदर पूरा पिलर को किया गया है। डोर वाइजर बेयर ने अभी नहीं लगाया है, बाकी ऑप्शन होता है करा सकते हो आप। लोअर विंडो गार्निश साइड बिल्डिंग तक का आपको सारा ऑप्शन होता है। डैम्पिंग कराया है मैंने आपको, डैम्पिंग का रिस्पॉन्स पहले भी दिखाया था, एक बार और दिखा देते हैं। आप ये वाला हिस्सा अगर देखोगे ये वाला तो पूरा डैम्पिंग नहीं होता, और अगर ये वाला देखोगे तो डैम्पिंग होता है। एक अच्छा खासा चेंज जो है वो आपको डैम्पिंग से देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर बात यहाँ हैंडल लीवर हैं जो आपको कंपनी से टॉप मॉडल में जैसे मिलते हैं एज इट इज़ वो चीज़ पूरा आपको कंप्लीट मिलता है। इसके बाद यहाँ पे जो इंटीरियर का अगर मैं पार्ट बताऊँ तो कंप्लीट पूरा इंटीरियर का पार्ट आप देखोगे एक नेक्स्ट लेवल है। रीज़न बताऊँ ये वाला पार्ट पूरा कुशनी के साथ किया जाता है, बर्फी के साथ पूरा आपको यह पार्ट मिल जाएगा, जिससे क्या कि पूरा प्रॉपरली पूरा इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर यहाँ पे भी आपको चेक कराएं तो यहाँ भी देखो टैन एंड ब्लैक की कॉम्बिनेशन रखा गया है। टैन कलर का ही धागा है, ब्लैक कलर का अपना कपड़ा है जो पूरा कॉम्बिनेशन। और एक चीज़ भी मैंने यहाँ पे ऑन कर दी वो है इसकी एम्बियंट लाइट, जो पूरा कंप्लीट प्रॉपरली आपको देखने को पूरा मिल पाएगा। और एम्बियंट लाइट K3 एम्बियंट लाइट का रिस्पॉन्स जो है 6 पीस के अंदर भी इन्हें रखा है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। ये देखो
ये पूरा रिस्पॉन्स है। और K3 में ऑप्शन होता है कार्डी का भी और भी दूसरे ब्रांड का होता है, पर इसमें जो लगी है वो जिमर कंपनी की लगी है, जिसका आपको रिस्पॉन्स है ना ये देखो, थोड़ा सा आप लो लाइट में देखोगे और ज़्यादा अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो आपको यहाँ पर पूरा कम्प्लीटली देखने को मिलेगा पूरा प्रॉपरली। इसके बाद अगर बात करें तो अपने इंटीरियर से लेके साइड मिरर तक, साइड मिरर भी एक बार दिखा देते हैं आपको, यहाँ से ऑटो फोल्ड जो अपने साइड मिरर होते हैं वो यहाँ पे लगे हुए पूरे, जैसे ही आप यहाँ पे लॉक अनलॉक करोगे कम्प्लीटली वर्किंग आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और स्विफ्ट के साइड मिरर का मतलब है कि बेस मॉडल में लगना ही लगना, तो वो चीज़ आपको यहाँ पूरा मिलता है, जो ऑटो फोल्ड प्लस ऑटो एडजस्ट आपको दोनों ही चीज़ आपको यहाँ मिलती है। अभी देखो नीचे की तरफ पूरा जा रहा है, अगर मैं ऊपर की तरफ करूंगा यहाँ पे तो कम्प्लीटली ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये पूरा ऑटो फोल्ड ऑटो एडजस्ट दोनों मिल जाता है। अगेन अपना पावर विंडो का पार्ट है जो आपको यहाँ पे पूरा मिलता है, चाहे मैं अगर इसकी बात करूँ, ये जैसी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको पूरा कम्प्लीटली देखने को मिल रहा है पावर विंडो। तो पावर विंडो की बात करूँ जेन्युइन कंपनी के, चाहे मैं साइड मिरर की बात करूँ, हर चीज़ आपको जेन्युइन मिलता है, यहाँ तक यहाँ पे टूटर शीशे है ये भी कंपनी का आपको टॉप मॉडल वाला ही लगा हुआ है। अगर अंदर की तरफ देखें तो मैट है अपने फ्लोरिंग है जो कि पूरा डाई वाला के अंदर, डाई वाले कपड़े के अंदर, और नीचे की तरफ अपने मैट है जो GFX के साथ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अब अगर बात करें सीट कवर की, तो सीट कवर में आपको पहले भी कहा था कि पूरा इंटीरियर सीट कवर में एक नेक्स्ट लेवल काम होने वाला है, अगेन अपना वो सारी चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। जैसे कि सीट कवर में अगर मैं बात करूँ तो पूरा कम्प्लीटली सीट कवर ना आपको एक नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं ये वाला पूरा पार्ट दिखाऊँ तो ये पूरा फोमिंग के साथ जो एक बर्फी आता है ना, वो पूरा बर्फी के साथ यहाँ रखा गया है। फिर अपना यहाँ पे आप देखोगे ब्लैक कलर की पाइपिंग है और ब्लैक कलर साइड साइड से दोनों साइड से पूरा बर्फी रखा गया है, बीच में वर्टिकुलर लाइन है और ऊपर की तरफ अपना अगेन फिर से अपना बर्फी है। फिर ये जो ब्लैक पाइपिंग है ना वो गाड़ी के साथ सच में बहुत ज़्यादा सूट कर रही है, बहुत ज़्यादा लग रही है। भैया ने दो कलर में पूरी गाड़ी रखी है अपनी, गाड़ी कह सकते हो एक कस्टमाइज गाड़ी ना वो पूरी गाड़ी भैया ने बनाई है, ब्लैक एंड टैन के साथ पूरा रखा हुआ है भैया ने। ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ब्लैक कलर के साथ पूरा एक वेलवेट वाला जो सॉफ्ट वाला जो कपड़ा आता है वो रखा गया है। इसमें एक चीज़ मिस कर रही है, आप देख पाओगे जो स्टार लाइट होती है वो बस लगता ना तो काफी अच्छा और गाड़ी का लुक होता, पर जरूरत नहीं है, भैया को नॉर्मली रखना था तो स्टार लाइट नहीं लगवाई है। बाकी आप एक बार खुद देखो कि किस तरीके से लगा हुआ है। ये जो सीट कवर थे भैया की कंपनी से आए थे, मैंने वापस में पैक कर दिए हैं, और इस साइड में भी आप देखोगे पूरा कम्प्लीटली अपना सीट कवर का पार्ट। इसमें एंड्रॉइड सिस्टम है जो कम्प्लीटली भैया ने एक बार आपको सेटिंग में ही दिखा देते हैं, अगर अबाउट में चलनी 232 का था एंड्रॉइड सिस्टम है जो कि T7 प्रोसेसर के साथ है। इसका स्टेयरिंग जो है वो ZXI प्लस वाला लगाया है, पर उसके ऊपर भी जो इंटीरियर के साथ एक मैच कर सके वो है पूरा इसका लेदर रैप स्टेयरिंग रैप, जो कि आप देखोगे एक फिनिशिंग आप चेक करो पूरा 0-0 फिनिशिंग जिसको कहते हैं ना, वो फिनिशिंग के साथ आपको पूरा मिल जाएगा। पर ब्लैक और नीचे टैन के साथ रखा गया है, जो कहते हैं ना डबल टोन में चांद वाले डिजाइन, वो डिजाइन ही रखा गया है। इसके साथ अगर मैं पिलर की बात करूँ ना, यहाँ पे पिलर जो है वो सारे पिलर इसमें टैन के साथ किए गए हैं, जिससे आपको इंटीरियर में और नेक्स्ट लेवल काम देखने को मिले। स्पेशली अगर मैं पीछे वाले पिलर पूरी तरीके से दिखाऊं आपको, पूरी तरीके से अगर बात करें तो पूरा ही पिलर आपको यहाँ पे टैन के साथ, ये देखो पूरा पिलर जो अपना टैन के साथ यहाँ किया गया है, तो ये एक बेस्ट चीज़ है। बाकी पीछे की सीट की फिटिंग भी दिखा देते हैं आपको, प्रॉपरली पूरी फिटिंग देखने को मिलेगा। ये सीट कवर मैं आपको बार बार कहता हूँ, ऑटो यानी किसी भी चीज़ में आगे हो पीछे हो कुछ भी हो, पर जो सीट कवर है ना उसमें हमेशा आगे रहेगा। रीज़न ये है अपनी मैन्युफैक्चरिंग है और कोशिश करते हैं एक बेस्ट नेक्स्ट लेवल सीट कवर आपको लाके दे सके, वो चीज़ इसके अंदर जो है वो काम हुई है। इसके बाद एक बार आप खुद ऐसे सीट कवर अगर चाहते हो अपनी किसी भी मॉडल गाड़ी में तो एक बार ऐसा ज़रूर आप स्क्रीनशॉट ले लो। यही सीट कवर हमने ब्रिज़ा में भी ऐसा पूरा पैटर्न डिज़ाइन लगाया हुआ है, बलिनो में भी लगाया हुआ है, और मतलब जो गाड़ी आप बोलोगे ना उस गाड़ी का सीट कवर ब्रिज़ा तक, बलिनो तक, ग्रैंड विटारा तक आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद एक बार पीछे डिग्गी की तरफ अगर बात करें तो भैया ने यहाँ पे ओवल्स के स्पीकर लगाए हुए हैं, ओवल स्पीकर जो कि पाइनियर के साथ है, यहाँ पे आप चेक करोगे पाइनियर ओवल स्पीकर जो ट्रे में आते हैं वो अपना रखा हुआ है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो नीचे की तरफ भैया का सबवूफर है जो 1000 वाट सोनी का है, ये पहले से भैया के पास था, तो इसमें भैया ने कोई चेंज नहीं कराया हुआ। स्कॉच की वायरिंग है जो कम्प्लीटली पूरी लगाई है, तो एक बार साउंड आउटपुट भी आपको सुनाते हैं किस तरीके का साउंड आउटपुट था। इसके बाद अभी टेल लाइट में भैया ने कोई कस्टमाइजेशन नहीं कराई है, बाकी ऑप्शन होता है ज़रूर आप करा सकते हो। डैम्पिंग से लेके सारा पार्ट है, आप खुद बताइएगा किस तरीके से है, क्या किस लेवल पे काम सारा हुआ है। यहाँ पे देखो गियर नॉब तक जो है वो स्विफ्ट का अपना यहाँ पे पूरा कंप्लीट चेंज हो चुका है। यहाँ पे गियर बूट जो है इसमें भी नॉर्मली ब्लैक रखना था भैया को, तो यहाँ पे थ्रेड है वो टैन कलर का कर दिया गया है। तो एक एक छोटा छोटा पार्ट और फिनिशिंग के साथ जो पार्ट होता है ना वो पार्ट आपको इस वीडियो में देखने को मिल पाएगा। तो एक नेक्स्ट चीज़ एक बार साउंड आउटपुट सुनेंगे, क्योंकि स्पेशली ना दिल से भैया ने गाड़ी बनाई है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, भैया से भी जानेंगे कैसा सारा काम कराया और कैसी गाड़ी बनाई है। बाकी एक बार साउंड आउटपुट सुनाते हैं।
अब गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और जो स्टूडियो एंड्रॉइड सिस्टम है इसके साथ एक बार टेस्ट करते हैं, आपको साउंड पूरा सुनाते हैं। और उससे पहले आप खुद बताओ कि एमए लाइट से लेके और जितना इंटीरियर का पार्ट है ना, ये आपको कैसा लग रहा है? देखो इसमें इंटीरियर में ना डैशबोर्ड का ऑप्शन होता है, पर भैया ने अभी वो नहीं कराया है। इतना ज्यादा तरकता फरकता भी नहीं चाहिए था, बाकी काफी अच्छा इंटीरियर जिसमें पिलर्स है ना, ये बहुत अच्छे रोल अदा कर रहे हैं अपने आप में। और सीट कवर तो अपने आप में है ही ऑटो इंडिक की स्पेशलिटी। आप देखोगे ना एक बार, ये वाला पार्ट ना एक्स्ट्रा ही ऊंचा लग रहा है, कुशनिंग वाला लग रहा है। रीजन क्या है? 19+19 38 mm का पूरा फोम का यूज किया जाता है, जिससे आपको एक अच्छा नेक्स्ट लेवल कुशनिंग का पार्ट मिल गया। अब एक बार साउंड आउटपुट लेते हैं पूरा का पूरा और दिखाते हैं आपको कि साउंड कैसा है। पूरा हिलने वाली गाड़ी, तो भाई दिल थाम के बैठना, जिससे आपको मजा आने वाला। हो सकता है इससे और ज्यादा नेक्स्ट लेवल किसी भाई को साउंड आउटपुट चाहिए होगा, तो यही कहूंगा कि भाई एक बार ना दिल थाम के बैठना, जिससे आपको हर चीज के बारे में पता लग सके और आप सुन पाओ साउंड आउटपुट पूरा। ऐसा किसी भी गाड़ी में काम कराना है, अपनी स्विफ्ट से लेके बलिनो तक या ब्रेजा तक, एक बार कांटेक्ट जरूर करें। और यहाँ पे एक चीज जो शानदार चीज थी वो आपको दिखाना रह गया था, वो आपके सामने में ही है और एक बार दिखा भी देते हैं आपको अच्छे से। एक बार बंद करेंगे पहले तो, और ये है इसका मीटर जो स्पीडोमीटर। इसमें आपको बिल्कुल बेस मॉडल वाला मिलता है ना, उसको भैया ने चेंज करा के यहाँ पे कम्प्लीटली टॉप मॉडल वाला भी करा लिया है। और इसकी अगर बात करें कॉस्टिंग की, 10,500 रुपए का आपका मीटर आ जाता है, ब्रांड न्यू। ऐसा नहीं है यूज आएगा, डब्बा पैक नया आएगा। अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूं, आपको पहले से बता रखा है 3500 रुपए का जेडएक्सआई प्लस वाला स्टीयरिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो आप कंप्लीट पूरा फिट करा सकते हैं। गियर नॉब तक एक एक चीज आप ऑलरेडी देखते होंगे, बलिनो में कंप्लीटली अपना लगता है। और स्विफ्ट में आज एक अपने आप में नेक्स्ट लेवल चीज आपको सारी चीज दिखाती है। तो फाइनली सारा काम हो चुका है कंप्लीट। स्विफ्ट ही भैया से जानते हैं कि भैया कहाँ से आए, भैया क्या नाम है आपका? भैया स्पेशली कहाँ से आए? सबसे पहले तो भैया आपको मुबारक हो कि नई गाड़ी ली आपने, और सेकंड चीज की अपना ना एक कैसे पूरा कंसेप्ट कार वो चीज आपने बनाई हुई है, काफी अच्छी गाड़ी है आपकी है भैया। और पहले तो मैं चाहूंगा आपको हमारे बारे में कैसे पता लगा? मैं आपकी वीडियो देखी थी मैंने, आपकी चीज तो अच्छी लगी जी भैया। और सबसे बड़ी बात, लाइफ टाइम जो गारंटी दी थी ना आपने, उसे ही चाहिए थी। बात मैटर 1000+ हो गई, कर दी बात मैटर करती है लाइफ की और क्वालिटी की। क्वालिटी हमारे आपके पास है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप भैया स्पेशली जैसा आपने 10 and 11 का कॉम्बिनेशन पूरी गाड़ी में अंदर से किया है, तो ये चीज पहले सोच के आए थे या यहाँ पहले सोच रखा था? डिजाइन अच्छा, ये डिजाइन आपने पर्टिकुलर आपने बताया? बहुत बहुत मतलब ये एक अपनी बात हो गई कि मैंने सोच रखा था उसमें, बिल्कुल आगे ना हिट कर दिया कि बॉल फेंकनी थी और वहीं जाके बॉल लग गई, तो बिल्कुल सही जगह और सही कॉम्बिनेशन के साथ भैया को सीट कवर जरूर मिलता है। आप भैया जैसा गाड़ी का पूरा इंटीरियर सीट कवर रूफ वगैरह से लेकर जितनी चीज आ गई है, ये सारा काम कैसा लगता है? पक्का मैं भैया से इस बार क्वालिटी अच्छी है। आप देखोगे ना कहीं कहीं पे ना हल्के हल्के ना, मतलब कहीं कहीं पे कपड़ा हल्का सा उठ भी रहा है, मैंने वो भी सारी चीज़ें कोशिश की कि भैया पहले वो ठीक हो। सेकंड चीज़, कपड़ा इतना हार्ड होने की वजह से ना तो आप पे ही हीट होता है, हम क्यों लाइफ टाइम सिर्फ वारंटी ना वर्बली बोल के नहीं देते, आपको वारंटी कार्ड मिलता है और कार्ड के साथ साथ ना पूरा कंप्लीट आपको वारंटी मिलती है। रीज़न आपको बताऊं, कपड़ा ही उस लेवल पे है, कपड़ा ही उस तरीके का है, थाईलैंड से पूरा कपड़ा आता है, मतलब ये नहीं हम थाईलैंड जाके लेके आते पर थाईलैंड से कपड़ा आता है, वो चीज़ ही आपको पूरी पूरी डिलीवरी मिल जाती है। कि आप जैसे भाई अगर कोई आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, आप रिकमेंड करेंगे? धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और आपका भी रियली बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो रिपब्लिक डे की स्वतंत्र दिवस सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।